अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यार उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक हो गया आप सब लोगों के एक नए ब्लॉग के अंदर, और व्लॉग का आगाज करते हैं जल्दी जल्दी से। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लेकर आए थे नए बर्ड्स, और जो कि माशाल्लाह हमने शिफ्ट भी कर दिया, लेकिन हमारा एक नुकसान भी हो गया था। चले कोई नहीं, खैर है, मिट्टी डालो उसके ऊपर, वो तो चलता रहता है इस चीज़ों में। तो बाकी अभी यार हम अपने परिंदे माशाल्लाह से सारे इसके अंदर छोड़े हुए हैं, तो सारे एकदम परफेक्ट माशाल्लाह से। खोलना तो नहीं चाहता, लेकिन यार फिर भी दिल करता है कि इनको देखी जाए। माशाल्लाह से चेक करो यार, बाकी हमारे वो दोस्त देखे पीछे मिट्टी के अंदर बैठे हुए हैं। अब पता नहीं ये क्या करते हैं, किस लिए बैठे हैं, इनको सर्दी लग रही है या फिर क्या मसला है, कोई पता नहीं हमें, क्योंकि ये सुबह से मटकी के अंदर ही बैठे हुए हैं, रात को भी मटकी के अंदर बैठे हुए थे। बाकी यार अभी जो हमें एक और डर आ गया मुझे ख़ास तौर पर, वो ये है कि हमारे जो वो पीछे जाली लगी हुई है ना, मतलब कि इसके पीछे जो आपको वो दूसरी जाली नज़र आ रही है, उसके सुराख हैं थोड़े से मोटे। तो हमारे जो ऑस्ट्रेलियन थे और जो लव बर्ड वगैरह या फिर हमारा प्लम हेड पेयर है, तो वो तो नहीं गुजर सकते, जाए जितना मर्जी जोर लगा लें। लेकिन जो हमारी फिंचीज़ हैं, इनका मुझे डर है कि ये भाई साहब गुजर जाएंगी, क्योंकि सुराख हैं दो चार ऐसे खुले खुले सुराख हैं जो कि आसानी से गुजर सकती हैं उसके अंदर से। तो फिल वक्त तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। तो भाई साइड पर जो भाई माशाल्लाह से सारे बर्ड्स मैंने छोड़े हुए हैं, तो फिल वक्त तो मैंने ये पर्दा लगा दिया था। तो अभी यार मैं ना वैसे तो कल बाज़ार से लेकर आ गया था, और कल मैं फिर सारा दिन मेरा ऐसे ही बिजी गुजर गया, तो मैंने नहीं तो कल ये व्लॉग बनाना था और जाली वगैरह कल लगा देनी थी, और अभी मैं इनके लिए ये कल जाली लेकर आ गया था, और अभी जो हमने ये जाली लगानी है यार। तो ये जाली मैं ब्रेक वाली लेकर आया हूँ, चेक करो अच्छे वाली। तो अभी हमने इधर लगानी है इसको हटाने के बाद, तो जल्दी जल्दी से यार लगाते हैं, क्योंकि पर्दे का भी कोई पता नहीं, ये देखो कहीं से भी गुजर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से पर्दा हटाते हैं और जाली शिफ्ट करते हैं, और सामान वगैरह पकड़ के लाता हूँ मैं सारा, जिसके साथ हमने फिक्स करनी है ड्रिल वगैरह। तो जल्दी जल्दी से चलता हूँ नीचे और ड्रिलिंग वगैरह ला कर इसको अच्छे तरीके से लगाते हैं यार। तो यार सामान मैं अपना ले आया, और सबसे पहले हम ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर हो जाएगा अंधेरा, तो कोई नहीं, खैर है इधर से रोशनी आ रही है, इतनी तो आ ही रही है। तो बाकी यार जल्दी जल्दी से हम अब जाली लगाते हैं। तो फाइनली यार जाली मैंने लगा दी है, तो जो जाली हमारे पास पड़ी हुई थी, मतलब कि ये वाली मैं लेकर आया था कल, लेकिन ये मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरा बाद में नज़र पड़ी उसके ऊपर उधर, तो उधर हमारी एक जाली पड़ी हुई थी जो पहले से ही थी, तो मैंने वो फिक्स कर दी। इससे ये है कि हवा भी थोड़ी बहुत क्रॉस होती रहेगी अच्छे तरीके से। तो अभी इसका मतलब कि इतना पता भी नहीं चलता कि जाली लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो बाकी ये वाली हमारी जाली परफेक्ट हो गई है, तो अभी ये वाली जाली हम वापस कर आएँगे। बाकी यार बड़ी देर खपने के बाद मैंने ये जाली लगाई है, तो कुछ इस तरीके से ऊपर से भी कवर, नीचे से भी कवर, और दो तीन तारे मैंने गुजार दिए ताकि ये जो ढीलापन था इसका वो भी ज़रा सही टाइट हो गया। तो अभी इस साइड से हम देखते हैं, तो भाई साहब इस साइड से हमारा भी फुल कवर हुआ पड़ा है, मतलब कि अब कोई हमें डर नहीं है यार, कोई भी कहीं पर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह से इधर से भी हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। सामने वाली भी जाली हमने मोटी वाली लगा दी थी, तो इधर भी मैं अभी कुछ ना कुछ लगा देता हूँ, क्योंकि इधर से भी है थोड़े बहुत सुराख जो कि गुज़र सकती हैं। इधर हमने ये देखें जाली लगाई हुई है थोड़ा सा पीस एक, तो इधर भी मैं कोई एक चीज़ लगा देता हूँ ऐसी जिससे कोई वो गुज़र ना सके। बाकी हमारा बिल्कुल कवर है, एकदम फिट है, कोई मसला नहीं है, बाकी कहीं से भी नहीं गुज़र सकती, बाकी हमारा यार एकदम फिट एंड फाट है। तो यार अभी हमारी जाली तो लगी थी तोतों की, तो अभी हमने एक और काम करना है, वो ये कि जो हमारे रैबिट्स के बेबीज़ हैं ना नीचे, तो उनको भी हमें यार गर्म चीज़ गर्म रखने के लिए कोई चीज़ उनके पास रखनी पड़ेगी, तो वो भी ज़रा ना यार रख दें हम, क्योंकि इधर से हवा जाती है, तो इधर ही उन्होंने अपना बनाया हुआ केज बनाया, मतलब कि सुरंग कड़ी हुई है माशाल्लाह,
इस तरीके बैठे होंगे ने यार। बाकी मैं यही सोच रहे थे कि आप गर्म रखने वास्ते कोई ना टाकी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ रख देने जिंद गर्म रहन। बाकी मैं टाकिया ही सोच रहे कि टाकिया अपने को आप उन्होंने मैंने रख के अच्छे तरीके कवर कर देने उन्हें ही। बाकी जल्दी जल्दी आप भी कम कर ही लेने लगते हाथ, क्योंकि यार अपना इधर का तो डर लग गया, हूँ आप उन्होंने भी गर्म करने वास्ते कुछ तो करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी यार हटाते हैं, बिछाते हैं और अंदर उनको गर्म बिस्तरा लगाते हैं। चलो यार अभी अंदर घुसते हैं सीधा और उनको पहले बाहर निकालते हैं, फिर अच्छे तरीके से उनका हम इसके साथ जो है ना सेट वेट कर देंगे उनका बिस्तर। लो जी अंदर भी घुसना भी बड़ा मुश्किल है यार, माशाल्लाह से तीनों चेक करो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे हुए हैं। अभी आँखें खोली हैं कि नहीं? हेलो, पता नहीं अभी आँखें भी खोली हैं कि नहीं। इधर आओ भाई, आज 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चलो ये ओए ओए लो जी माशाल्लाह से हमारे जो है गोगलू मोगलू से बेबीज बाहर आ चुके हैं और माशाल्लाह से इन्होंने अपनी आईज ओपन करनी है यार, चेक करो। ए नाराज ले, आंखें बंद कर ली है, चेक करो आंखें कोली। तेरे को सर्दी लग रही है हैं? ओ चुकु पुकी ये चेक करो उनको देखो सर्दी लग रही है, इतनी भी नहीं सर्दी है जितने ड्रामे कर रहे हो ही। तो चलो यार इनको हम रखते हैं साइड पर और इनका बिस्तर हम सेट वेट करके आते हैं। तब तक के लिए हम इनको अंदर ही रखते हैं, क्योंकि बाहर ये ना हो भाई हमारे पास से कौवा या कोई और चीज़ आती हो और इनको उठा के ले के भागती हो। तो अभी इसके साथ इनका बिस्तर वगैरह सेट कर देते हैं। वो चेक करो अंदर भाग रहे हैं, अभी उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया, बस अब ये जल्द ही बाहर आ जाएंगे अपने गेट से। वो चेक करो तो यार अभी उनका भी बिस्तर लग चुका है, हमारा वो भी काम फिनिश हो गया। तो अभी इनकी जो है खाली वो अपनी ये ट्रे, तो इनको भी हम रखते हैं दाना। बाकी उससे पहले हम अंडे चेक कर लें। तो इस साइड पर देखें तो खाली है, इधर तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इधर हमारी देती है शब्बो जैसा कि मैंने बोला था। तो इधर हमें अंडा मिल चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को अंडे भी चेक करवाता हूँ यार कितने अंडे हो गए हमारे पास। सिर्फ हमारी शब्बो शब्बो के अंडे जो हमारे पास हो चुके हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कितने अंडे हो गए हैं हमारे पास। तो माशाल्लाह से यार रौनके लग गई हैं, भर गई है ट्रे चला रहे हैं। तो इनको भी हम थोड़ा सा घास रख देते हैं और थोड़ी सी घास अपने तोतों को भी रख देते हैं। आ जाओ भाई, इधर से हम इतनी सी उठाते हैं और इतनी सी अपने तोतों को रखते हैं। बाकी जब से हमारे नए तोते हैं हमारा दाना कुछ ज़्यादा ही ज़ाया हो रहा है। ओए होए आराम से चेक कर सकते हो, इनको दो तरह का मैं दाना रखता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ाया करने लग गए हैं ये। अरे भाई बस एक साइड पर मैंने फेंक दिए, इन चीज़ से मैं पता नहीं खाती है कि नहीं खाती, लेकिन तोते हमारे शौक़ से खाएँगे, बाकी इनको खाने देते हैं डिस्टर्ब नहीं करते। तो यार माशाल्लाह से हमारे सारे पेट्स ठीक है, लेकिन एक जो बैड न्यूज़ है जो कि कल ही हमारे साथ हुई थी, तो वो मैंने मतलब कि मैं थोड़ा सा जल्दी में था इसलिए मैंने शूट नहीं कर सका। वो ये कि जो हमारे पास हमारे दो बड़े वाले डक्स के बेबीज थे ना इसके साथ वाले, तो ये तो वह हमारे पास एक रह गया यार, इसके साथ वाले भी हमारे पास एक्सपायर हो चुकी है। तो वो मैं कल जल्दी में था, मैंने कहीं जाना था इसी वजह से मैं शूट नहीं कर सका। अब बेचारा ये भी अकेला रह गया, वो भी हमारे पास तीन मर्द ही मर्द हैं और ये भी एक मर्द है, तो चार मर्द हमारे पास बतखों के हो गए हैं भाई साहब। तो इनकी मादाएँ अब ढूंढनी है हमने, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द, अभी तो ये छोटा बच्चा है जैसे बड़ा होगा तो इसके लिए भी हम लेकर आ जाएंगे। बाकी उनके लिए तलाश कर रहे हैं, जिस दिन मिल गई तो इंशाल्लाह वो भी लेकर आ जाएंगे। बाकी यार दो तीन दिन हमारा नुकसान काफ़ी हो चुका है, बाकी कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। बाकी इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकन को लाजमी से क्लिक करना यार सब्सक्राइब करने के बाद। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और कब बाय।